बिहार कांग्रेस में अंदरूनी कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। खबर है कि पार्टी विधायकों को नए प्रदेश अध्यक्ष पर हाई कमान का फैसला रास नहीं आ रहा है। कांग्रेस आला कमान ने अशोक चौधरी की जगह कैबब कादरी को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनके सम्मान में रखे गए कार्यक्रम में कई पार्टी विधायकों का ना पहुँचना कांग्रेस में फूट की ओर इशारा कर रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक बिहार कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष कैबब कादरी ने बुधवार को जब अपना कार्यभार संभाला तो इस मौके पर के 27 पार्टी विधायकों में से 26 नदारद थे। खबर है कि करीब 15 विधायक और MLC पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी से मिलने उनके घर पहुंचे थे। ऐसे में इसे बगावत के तौर पर ही देखा जा रहा है। आपको बता दें कि चौधरी को दल बदल विरोधी कानून से पार पाने के लिए 18 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। ऐसे में अगर कुछ और विधायक अशोक चौधरी के साथ जाते हैं तो सूबे में कांग्रेस की सियासी जमीन कमजोर होना तय है। गौरतलब है कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी पर पार्टी को तोड़ने के आरोप लग रहे थे। इसके कारण ही पार्टी हाईकमान ने उन्हें पद से हटा दिया था और कैबब कादरी को कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। वहीं अशोक चौधरी ने भी अपनी असम्मानजनक विदाई पर नाराजगी जाहिर की थी। DP लाइव की रिपोर्ट।